त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को 20 ब्लॉक में होने वाली पंचायत चुनाव की बूथों की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट बूथों की संवेदनशीलता की स्थिति का जायजा निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 7 अप्रैल को पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद मत पत्रों की छपाई का काम किया जाएगा और उसके बाद मत पेटियों को बूथों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे वे मतदान को सकुशल संपन्न करा सके। उन्होंने कहा कि मतदान को सकुशल संपन्न कराना सभी कर्मियों का दायित्व है और वे मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा जो नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ आज जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट है उनको रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में भेज दिया गया है और वो अपने बूथ की जो AMF फैसिलिटीज़ है उसको देख के आएंगे और जो उसकी सेंसिटिविटी है उसको जो संवेदनशीलता है उसके आके जो भी रिपोर्ट देंगे उस पर कार्रवाई करते हुए उसको बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा जो आगे जाके 14, 15 या 7 तारीख को जब ये हमारे फाइनल होना है कि किन किन का नामांकन फाइनल हुआ है उसकी भी तैयारियां ब्लॉक पे साथ साथ चल रही है जिसमें ब्लॉकों पे किस तरह से जो मटेरियल पहुंचना है पेटियां पहुंचनी है या बाकी जो सामान है स्टेशनरी है वो भी पूरा कंप्लीट रेगुलर पैनल चल रहा है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग करानी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग PO1 PO2 PO3 की उसकी ड्यूटियाँ आज लग चुकी है और ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है परसों से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और हर रोज़ हम लोग 3700 लोगों की कम से कम ट्रेनिंग कराएंगे और ये ट्रेनिंग जो है परसों से स्टार्ट होकर 6 तारीख से स्टार्ट होकर 11 तक हम लोग 11-12 तक लगातार करवाएंगे। जो जेन्युइन केस है कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इस तरह की कोई इमरजेंसी है जो जेन्युइन केस है उसी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। बाकी जो है सबको ड्यूटी करनी पड़ेगी क्योंकि जो चुनाव है वो सबकी जिम्मेवारी है और चुनाव में हम अभी जो है इलेक्शन कमीशन की डेपुटेशन पे होते हैं उसमें कोई मना नहीं कर सकता लेकिन जो जेन्युइन केस है और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं।